खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। सरकार की भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ चल रही मुहिम अब धरातल पर दिखने लगी है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 2 में फायर स्टेशन में एनओसी के नाम पर हुए घोटालों को लेकर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इस घोटाले की जांच करने के लिए बरेली से एंटी करप्शन टीम नोएडा पहुंची। एंटी करप्शन टीम पहुंचने से फायर डिपार्टमेंट में हलचल का माहौल था। तो आपको बता दें कि योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम धरातल पर आ गई है और लगातार जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उन लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। और हाल ही में देखा जा रहा है कि सेक्टर 2 नोएडा के जहां पर फायर स्टेशन में जैसे ही टीम पहुंची वैसे अफरा तफरी का माहौल देखा गया दफ्तर में। इसके साथ ही अब लगातार संदेश यही दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, लगातार हम देख रहे कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब उन पर बहुत जल्द शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक बरेली की एंटी करप्शन टीम अभी पहुंची है नोएडा के फायर स्टेशन पर और वहां पर लगातार जितना भी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है उस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। शिव त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शिव, लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आती हैं और अब इस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा के फायर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ था और नियमों को ताक पे रख के एनओसी दी जाती थी, उस पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पिछले साल 7 अलग अलग FIR CFO के द्वारा कराई गई थी और उसमें जो नियमों को ताक पे रख के पारिक्यूमेंट लगाने वाली जो बड़े दलाल थे अब उन पर कार्रवाई हो रही है। और उसी के तहत आज एंटी करप्शन की जो बरेली की टीम है उसमें डिप्टी SP सहित अपने तमाम अधिकारियों को लेके वो आज फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस पर पहुंचे थे। सेक्टर 2 में आके उन फाइलों को खंगाला गया जो पिछले 2 साल में यहाँ पे NOC दी गई है और नियमों को ताक पर रख के जो लगातार पिछले काफी समय से NOC देने का काम चल रहा था उन्हीं सभी को लेके पिछले साल सितंबर 2019 में जो फायर डिपार्टमेंट के SO थे कुलदीप कुमार, उनकी भी गिरफ्तारी करी गई थी, जिसके बाद से लगातार इस मामले में जांच चल रही है। और एंटी करप्शन की आज टीम के 4 लोग यहाँ पहुंचे थे। लगातार पिछले 2 सालों की जो फाइलें हैं उनको खंगालने का काम किया जा रहा है क्योंकि लगातार फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि उनके द्वारा नियमों को ताक पर रख के जो फायर डिपार्टमेंट के द्वारा जो NOC दी जाती है बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज को लेके वो पैसे लेकर वो लोग यहाँ पे उनको दे रहे थे। और इन्हीं सभी चीजों को लेके एंटी करप्शन के द्वारा क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर का मामला था तो उनको यहाँ की जो जांच है वो बरेली की टीम को दी गई थी और एंटी करप्शन की टीम इसी मामले की जांच करने आज पहुंची थी। तो फिलहाल जो अधिकारी हैं पिछले 2 घंटे से सेक्टर 2 में स्थित जो फायर डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे जो स्थित चीफ फायर ऑफिसर अरुण कुमार हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में कितनी फायर डिपार्टमेंट के द्वारा NOC जारी करी गई थी और कौन कौन से नियम है जिसके तहत यहाँ पे NOC जारी की जाती है। उन्हीं फाइलों को खंगालने के बाद माना जा रहा है कि कुछ और भी अधिकारी इस जांच में लिप्त हो सकते हैं और उन्हीं की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 जो और अधिकारी हैं उनके ऊपर भी जल्द ही जो है एंटी करप्शन का शिकंजा कसा जा सकता है और भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचारियों पर अब योगी का फंदा कस रहा है और उसके साथ ही अब आगे लगातार और भी ज्यादा सतर्कता जो है उसे बढ़ा दी गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।